हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है HP लाइटबुक 840। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम की हम बात करें तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है हमारे कीबोर्ड में। इसके प्रॉब्लम है कुछ की इसकी टाइप नहीं होती है, कुछ की काम नहीं करती है, जैसा कि वन रो सिंगल वाली QAZ इसकी की प्रेस नहीं होती है, तो ये पूरी रो नहीं चल रही है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक ही है कि इसका कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। और की काम कर रही है सर, दिखाना। हाँ, आप देखोगे और की काम कर रही है, यही नहीं कर रही है। तो इसका इलाज एक ही है कि इसका कीबोर्ड चेंज होता है। कीबोर्ड रिपेयर बहुत ही कम होते हैं, बस कुछ केसेस में होता है कि भाई सही से पैक ना हुआ हो या सही से ना लगा हो तो कीबोर्ड हटा के हम लगा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। कुछ केस में हो जाती है, यानी कि आप मान के चलो 1% केस में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हम आपको दिखाते हैं कि इसका कीबोर्ड कैसे चेंज होता है। उससे पहले हम आपको बताते हैं 840 इलाइट बुक मशीन कैसी होती है। ये i5 में मशीन है, i5 फोर्थ जनरेशन ये होती है, फोर्थ जनरेशन की मशीन है। इसमें ये आपकी कमर्शियल यूज के लिए होती है। ये इम्पोर्टेड लैपटॉप है मेरे हिसाब से, जहाँ से भी ये जब किसी बंदे के पास आया तो उसने यूज ही खरीदा था, तो ये इम्पोर्टेड लैपटॉप होते हैं, बाहर के लैपटॉप हैं। हम इनकी बात करें कि भाई परफॉर्मेंस कैसा होता है, SSD लगने के बाद इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है और लाइफ भी इसकी, क्योंकि ये कमर्शियल मशीन है तो लाइफ भी इसकी बड़ी अच्छी होती है, लाइफ अच्छी होती है, सही चलते हैं ये। और कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें इसमें, तो कॉन्फ़िगरेशन 8GB रैम, 256GB SSD विदाउट ग्राफिक ही होती है। 14 इंच में ये मशीन आती है। तो हम नॉर्मल यूज में यदि हम बात करें इनकी, कि घर के यूज में, जैसा कि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, वर्ड एक्सेल पे काम करना है, कुछ इस टाइप के काम करने हैं, तो उनमें ये मशीन अच्छे से परफॉर्मेंस करती है। तो अब हम आते हैं कीबोर्ड कैसे चेंज करते हैं इसका। तो सबसे पहले आप देखते ही हो हमारे वीडियोस में, हमारे वीडियो में आपको बताते हैं यूज करने से या कुछ भी काम करने से पहले लैपटॉप की बैटरी रिमूव कर लेते हैं। ये जो कीबोर्ड पे स्क्रू होते हैं, आप इसमें देखोगे कीबोर्ड का निशान भी बना रहता है, हमें वही स्क्रू खोलने हैं और कोई स्क्रू हमें नहीं खोलना है। आप देखोगे ये कीबोर्ड का निशान इस पे बना हुआ है, तीन जगह से ये कीबोर्ड के निशान है और ये तीनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। उसके बाद हमारा कीबोर्ड ऊपर से फिटेड है, कोई पतली चीज लेके टाइप है, ये पेपर कटर वाला जो है उससे हम इसके लॉक को खोलते हैं। ये इसका कीबोर्ड का, जहाँ पे हमारा कीबोर्ड फिट होता है वो लॉक होता है। इसको हमें बड़े ध्यान से खोलना होता है, क्या होता है नहीं तो ये लॉक ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो प्लास्टिक का लॉक है बाहर निकल जाता है। ये नया कीबोर्ड लगा रहे हैं हम इसमें। इसको लॉक को बड़े ध्यान से लगाना होता है, मैंने आपको भी बताया है कि क्योंकि ज़्यादा प्रेस करेंगे तो टूटने का चांस रहता है। इसमें बैक लाइट का भी ऑप्शन है, आप देखोगे कि ये कनेक्टर जो है हाथ लगाना, ये बैक लाइट का कनेक्टर है, पर हमारे पास जो कीबोर्ड है वो बैक लाइट में नहीं है, विदाउट बैक लाइट है। जो इसका पुराना लगा हुआ था वो भी विदाउट बैक लाइट था, इसमें भी बैक लाइट नहीं है कीबोर्ड में, तो हमने इसमें विदाउट बैक लाइट, जो ओरिजिनल कीबोर्ड इसके साथ आया था तो वो बैक लाइट कीबोर्ड होता था, पर अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, थोड़ा पुराना मॉडल हो गया तो बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिल पा रहा है। सारे स्क्रू, ये लॉक होता है, लॉकिंग सिस्टम है इसका, तो पूरे लॉक चारों तरफ से प्रेस करके लगाने हैं। ये हमारा कीबोर्ड फिट हो गया है, ऊपर से हम इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद हम इसका वीडियो आपको दिखाएंगे कि हमारी की तो चली जाएगी जब नया कीबोर्ड चेंज हुआ है। तो कीबोर्ड रिपेयर की हम यदि बात करें तो कीबोर्ड रिपेयर नहीं हो पाते हैं,
कीबोर्ड में बस एक होता है कि हम कनेक्शन हटा के लगा सकते हैं कि कुछ धूल मिट्टी हो जाए या कुछ की कोई प्रिंट जो होता है वो दब जाए या वो ना हो, ऑन हो रहा हो, तो उसे हम खोल के जब दोबारा लगाते हैं तो क्या पता चल जाए हमारा की। ये कीबोर्ड लगा दिया है हमने, तो कीबोर्ड लगाने के बाद हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी की सारी प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। उसको हम कैसे चेक करते हैं, हम ब्राउज़र में जाके ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट लिखते हैं, उसमें जाके हम देखते हैं कि हमारी सारी की चल रही है या नहीं चल। जब हम की प्रेस करते हैं तो हमारी जो ऑन वो ऑन स्क्रीन वाली की होती है वो आपका रिफ्लेक्ट करती है, तो वही हम दिखाते हैं कैसे चेक करते हैं हम ऑनलाइन कीबोर्ड कि हमारी की सारी प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। ये आप देखोगे स्क्रीन पे हमारा ऑनलाइन कीबोर्ड निकल खुल गया है, जो हम की प्रेस करते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, आपको दिख रही होगी कीबोर्ड पे भी आप देखो और आप स्क्रीन पे भी देखो तो हमारी की रिफ्लेक्ट होती है। इससे इजी चेक हो जाता है कि हमारी कोई की मिस तो नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, और यदि आपके लैपटॉप में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवेयर का कोई दिक्कत हो, चिप लेवल का कोई दिक्कत हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर दिखा सकते हैं। और एक बात और मैं वीडियो में कहना चाहूँगा आपको कि हमारे पास ऐसे केस बहुत आते हैं कि हमने वहाँ दिखाया था, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उसका ऐसा हो गया है, जो छिड़ जाता है लैपटॉप, जैसा कोई छेड़ देता है उसको, आप ऐसी जगह मत लैपटॉप दिखाएं कि गलत जगह आपको लैपटॉप में कुछ ऐसा हो जाए कि वो दोबारा होने लायक ना रहे। तो इन चीज़ों से सावधान रहें, प्रोफेशनल जगह ही अपने लैपटॉप आप रिपेयर कराएं, ऐसी वैसी जगह किसी के पास आप ना लेके जाएं। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बहुत केस देख रहे हैं, हमारे पास ऐसे कोई आगरा से आता है, कोई पंजाब से लेके आता है कि भाई वहाँ लोकल में दिखाया था तो वहाँ पे दिक्कत आ गई है। तो इन चीज़ों से बचें, पूरी तसल्ली करने के बाद ही आप अपना लैपटॉप कहीं ऐसी जगह दिखाएं जहाँ पे आपको इस तरह के नुकसान ना हो। धन्यवाद।